भागे भागा मेरे से रक्षा काट के चलान सोनल जी रुकिए बस यहीं पर रुकिए अरविंद बैठ जो थैंक यू और हैप्पी गणेश चतुर्थी थैंक यू आपको भी आप कुछ कहना चाहती हैं आज आज पापा के दर्शन के लिए आई थिंक गणेश चतुर्थी पूरे महाराष्ट्र में आई थिंक सबसे ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ कभी भी वहाँ पर भी हम मनाते थे लेकिन जो मैंने यहाँ पर जो 11 दिन का एक पूरा फेस्टिवल होता है और जो एक ऑलमोस्ट एक दिवाली जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है वो मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है और आई थिंक ये बॉम्बे की मुंबई की एक स्पिरिट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मुझे ये फेस्टिवल बहुत बहुत पसंद है लालबाग का राजा जब भी कोई आता है तो कोई मनोकामना लेके आता है इसके बिना तो आता नहीं क्या मनोकामना है कुछ शेयर कर सकते हैं मैंने सुना है कि जो मनोकामना होती है उसको कभी भी किसी को बताया नहीं जाता जब मेरी मनोकामना पूरी होगी मैं आपको बताऊँगी जी मैं सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एक पार्ट होता है वो है कि मैं अपने सभी दोस्तों सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके गणपति के दर्शन के लिए जाती हूँ क्योंकि जो पॉजिटिविटी मुझे सभी फ्रेंड्स के गणपति के पास जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लेकर मिलती है आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव और खुशी की बात होती है मेरे लिए मैंने आज तक कभी गणपति रखे नहीं अपने घर में बट मैं भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी होपफुली नेक्स्ट ईयर मुझे भी मौका मिले सेलिब्रिटीज़ भी गणपति रखते हैं उनकी पूजा करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मतलब किसके यहाँ पे आपने टाइम दिया वक्त दिया जो आपको पसंद आई उनकी गणपति ऐसा कुछ आई थिंक ऐसा कोई भी एक नाम लेना गलत होगा क्योंकि ये एक मेरी श्रद्धा है मैं बचपन से गणपति की पूजा करती आ रही हूँ तो मैं कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एक किसी के घर में ज़्यादा अच्छा था या बुरा था क्योंकि आई थिंक गॉड इज़ वन एंड हम सभी मतलब यू नो वी जस्ट ऑफर आवर प्रेयर्स टू देम एंड दैट्स इट या जी उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अभी पहले दो स्केड्यूल्स हो चुके हैं एक हमारा और स्केड्यूल बाकी है उसके बाद फिल्म विल बी रेडी फॉर रिलीज एंड जैकलिन दिल भी आ रहे हैं जी अमित साथ भी उसमें जी 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 अमित बहुत ही अच्छे एक्टर हैं मैं और अरबाज भी हैं उसमें मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर द फिल्म टू रिलीज थैंक यू थैंक यू जैकी बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म को लेके बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक बड़ी फिल्म सामने होने के बावजूद बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है फिल्म को लेके किरदारों को लेके आपकी एक्टिंग को लेके क्या कहना चाहिए और क्या उम्मीद थी आपको देख के बोलना सी सबसे पहले तो एज एन एक्टर उम्मीद ये रहती है कि लोगों को फिल्म पसंद आए लोगों को आपका काम पसंद आए और यू नो लोगों तक फिल्म पहुँचे तो पहले जो दो क्राइटेरियाज़ हैं वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और पहली बार 99% मैं कहूँगा इफ़ नॉट 100% लोगों को लग रहा है कि इस बार मैंने आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है एज एन एक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है दूसरी बात ये रहती है कि लोगों तक फिल्म पहुँचे और बॉक्स ऑफिस वैलिडेशन हो वो तो टाइम ही बताएगा क्योंकि इट्स अ छोटी छोटी फिल्म है तो ये कहाँ तक जाती है कैसे जाती है ये सब अभी जनता के ऊपर है जितना वो प्यार देगी उतना दूर जाएगी फिल्म एंड आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें आई थिंक नितिन सर ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म जहाँ जैसे आपने कहा कि इतनी सारी फिल्में आई हैं
इतनी सारी फिल्में पहले से चल रही हैं, इतनी सारी फिल्में अगले हफ्ते आने वाली है, और ये सब के बीच में एक आपका वजूद भी बना पाना एक बहुत बड़ी बात है, तो हमने पूरी कोशिश की है, बाकी तो जनता के ऊपर है। जैकी प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, दिस इज द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ योर्स दैट इज आउट ऑफ पूजा एंटरटेनमेंट। हां जी, हाउ प्राउड यू फील, यू नो वी हैड अ डिस्कशन लॉन्ग बैक विद यू, आई एम द वन हु हैड स्पोकन अबाउट दिस एंड यू सेड यू हैड लॉन्ग वे टू गो। डू यू थिंक वो अब वो वक्त आ गया है, यू नो, जहां और आपने शुरुआत कर दी है? हां जी। हाउ प्राउड यू फील जैकी? ऑफ कोर्स आई फील वेरी प्राउड कि मैंने पहली बार बाहर निकल के काम किया है, और उसी फिल्म में मुझे बोला जाता है कि तुम्हारे लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं सारे रिव्यूज़ एकदम रात को पढ़ रहा हूँ, कैसा है क्या है, सो अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स यार, हम सब काम क्यों करते हैं? हम सब इसलिए काम करते हैं कि भाई ग्रोथ हो, आगे लाइफ में बढ़े, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिले, हम सब इंसान हैं, सो अच्छा लगता है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू वेट एंड वॉच कि यू नो वेयर डज माई करियर गो, और मैं क्या क्या और कर पाता हूँ एज एन एक्टर, और यू नो कैसे कैसे डायरेक्टर्स को लगता है कि यू नो मेरे में वो कैलिबर है कि मैं उनके किरदारों को अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। मेरा ये चाह तो यही रहेगी, सो लेट्स सी, बट यस एटलीस्ट वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके जैकी, क्या मानते हैं कि अब बिल्कुल दुनिया बदल गई है? यू हैव डन रंगरेज, यू हैव डन वेलकम टू कराची, कराची उसमें भी अब गुजराती किरदार था, यकीन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपने इसमें किया है। हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि द वर्ल्ड हैव दुनिया बदल गई है जैकी बगनानी के लिए, और वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग सम ऑफ ट्रैक सिनेमा, लाइक दो यू हैव ऑलरेडी डन कार्बन समथिंग अ शॉर्ट फिल्म, बट अ कमर्शियल फुल फ्लेज्ड मसाला फिल्म वेयर यू कैन बी पार्ट ऑफ अनुराग कश्यप फिल्म और समथिंग लाइक दैट? यार आई एम एन एक्टर एंड मैंने फालतू करी है, यंगिस्तान करी है, वेलकम टू कराची करी है, रंगरेज करी है, मित्रों करी है, और कार्बन करी है। सारे अलग जॉनर्स हैं, सारे अलग किरदार हैं, तो मेरा तो मन यही रहेगा कि मैं सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, किसी में मेन रोल, किसी में यू नो द मोस्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। काम अच्छा होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मैं उनके फिल्म को और उनके किरदार को जस्टिस कर पाऊँगा। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि मेरा मन तो बहुत कुछ है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी ये होना चाहिए कि यू नो दे फील आई एम वर्थ एंड आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो उम्मीद करता हूँ इस फिल्म के बाद उनको लगे कि मैं उनके किरदारों को सही तरीके से निभा पाऊँगा, बिकॉज जय वॉज नॉट ईजी फॉर मी। जय जो मेरा कैरेक्टर है मित्रों में, ऐसा कोई भी ट्रेट नहीं है मेरे में जो जय से कॉमन है, तो अगर कन्विंसिंग है तो ऑफकोर्स मैंने उतना एफर्ट डाला है, and I hope it reaches out to the people and directors and producers. Okay, Jackie, क्या while working on the project जिस वक्त आप shoot कर रहे थे काम, एक actor को अंदर से की feel होता है कि यार this is something absolutely different what I have done in past, or this would be best performance of mine. लगता है एक artist को feel आता है? Of course, मुझे इस film से बहुत contentment है as an actor, as a professional, कि मुझे लगता है कि यार मैंने ना अपना 100% दिया, और because Nitin sir जैसे director थे वो 100% पर्दे पर दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने 100% दिया लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो दिखा नहीं है, आपको लगता है अरे यार वो फील नहीं आ रही है, वो क्या है। सो आई फील दिस फिल्म, आप एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो निकल के बोल सकते हो कि यार इसको काम नहीं आता है या इसको नहीं किया, कोई भी हो। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विन फॉर ऑल ऑफ अस एज अ टीम, कि हमने अपना एक स्टैंडिंग हम रख पाए। सो ओके, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, इट ऑल्सो रिमाइंड मी जब मैं स्टोरी लाइन की बात करता हूँ मित्रों की, एक लड़का जो जिंदगी में बिल्कुल आज़ाद ख्यालात है, उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जिए जा रहा है बस। हाँ, शादी करा दी जाती कि भाई लाइन पे आ जाओ। हाँ जी, और यू नो जब मैं सुई धागा का ट्रेलर भी देखता हूँ, इट रिमाइंड मी ऑफ दैट कि यार क्या सिमिलैरिटीज होगी, दो इट्स समथिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स, बट इट गिव्स मी अ फील, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इट्स टू डिफरेंट फिल्म्स, वो तो बहुत बड़ी फिल्म है, उससे तो कंपेयर करना भी बेवकूफ़ी होगी। उसमें वरुण और अनुष्का है, वो आर डूइंग रियली वेल नाउ डेज, सो जस्ट फ्रॉम द शेयर फैक्ट ऑफ स्टारकास्ट इट्स अ वेरी वेरी बिग फिल्म। बट यस, अगर आपको स्टोरी का लगता है तो वो कॉमन ट्रेड्स तो बहुत सारी फिल्मों में होता ही है, बिकॉज क्या है आजकल जो भी फिल्में बढ़ रही है, जो रिलेटेबल फिल्में हैं, वो रिलेटेबल इसीलिए होती हैं क्योंकि आप सोसाइटी के हिस्से से एक इशू उठाते हैं और उसको एड्रेस करते हैं और उसमें एक फिल्म बनाते हैं। तो 90% इशू तो यही है जो यूथ का, कि भाई हमको करना ये है, हमको पता नहीं जा कहाँ रहे हैं, लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा दिल मुझे बोलता है कि वहाँ जाओ, और फिर कोई इंस्पिरेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ गर्लफ्रेंड, वाइफ, बीवी, फ्रेंड, दोस्त, बाप, गॉडफादर, और वो आपको सही यू नो डायरेक्शन में ढकेलता है।
सो वो उस प्रमाणे से अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको लगेगा कि बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स बहुत सारी फिल्मों में, फालतू में भी ऐसा ही कुछ था। आपके कैरियर की अगर बात करूँ, फालतू से लेकर यंगिस्तान से लेकर खास करके रंगरेज की मैं बात करूँ, दोस्ती को बड़ा महत्व दे दिया है हमेशा, और बड़ा मतलब आपकी फिल्में दोस्ती के इर्द गिर्द ही घूमती है जैकी। हाँ। और क्या ये महज इत्तफाक है और यू कि बस हो जाता है कि आई थिंक ये 50% इत्तफाक है और 50% मेरा भी एक इंटेंट रहता है, बिकॉज आई जस्ट फील दैट दोस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, और उससे ना कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है, बिकॉज हर इंसान, लड़का हो या लड़की हो या बुज़ुर्ग हो, उनका एक गैंग होता है, तो वो गैंग से अगर फिल्मों में ऐसा कुछ देख रहे हैं आप, तो आपका लगता है अरे यार वो फलाना आदमी ना ये ऐसा है अपने गैंग में, ये ना ये मैं हूँ, तो ना फिल्म देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है मित्रों को लेके खास? ऐसा लगता है कि तुमने एक्टिंग ही नहीं करी है, कि तुम जय बन गए थे, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर, बिकॉज सच्चाई तो ये है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एफर्ट डाल डाल के उतना हो गया कि आपको एफर्ट लेस लग रहा है, तो मेरे लिए तो पहली बार मैंने ऐसे कुछ सुना है। ऑफकोर्स मैंने आमिर सर के साथ देखा है, मैंने रणबीर के साथ देखा है, मैंने रणबीर के साथ देखा है जिनका काम मैं बहुत पसंद करता हूँ, ऋतिक रोशन के साथ देखा है, बच्चन साहब के साथ देखा है, कि यार वो लोग इतना एफर्ट डालते हैं अपने कैरेक्टर्स में कि एफर्टलेस हो जाते हैं, तो अगर उनका 1% भी अगर लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ लग रहा है कि यार ये तो जय ही है, इसमें जैकी दिख नहीं रहा, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी गेन है, बिकॉज मैं तो वो उस साइड ऑफ फेंस से आ रहा हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि लोगों को लगता था यार ये सिर्फ बॉडी दिखा के डांस करता है, इसको तो एक्टिंग आती नहीं है, तो अगर ऐसा लग रहा है लोगों को, तो ऑफकोर्स इसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि यार ही इज गॉट इट इजी, बिकॉज उतना एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा ही टू लुक एफर्टलेस, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू जस्ट सिट देयर एंड रीड द रिव्यूज एंड वेयर पीपल से दैट इट्स हिज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, तो अच्छा लगता है। ऑफकोर्स यार हम सब काम उसी के लिए करते हैं, हम क्यों काम करते हैं, हम ग्रोथ के लिए काम करते हैं, हम इज्जत के लिए काम करते हैं, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, सो एज क्रिएटिव पीपल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इज्जत हो एंड लोगों को लगे या रिस्पेक्ट आपने काम किया, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। डू यू कंसीडर मित्रों एज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर एज एन एक्टर? आई होप सो दैट यू नो इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी, और कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स आएँ, और जैसे मैंने पहले भी कहा इस इंटरव्यू में कि कुछ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को लगे यार इसको एक काम दिया जा सकता है और ये उसको निभा पाएगा ढंग से, बाकी तो भाई टाइम विल टेल। कोई ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज राजू सर से लेकर, इम्तियाज सर से लेकर, मुझे लवरंजन का काम भी बहुत अच्छा लगता है, लवरंजन सर का, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, यू नो मैं कुछ नाम, अयान मुखर्जी इज़ अमेजिंग, शशांक खेतान इज़ अमेजिंग, मनीष शर्मा जी इज़ अमेजिंग, नितिन सर के साथ जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं 100% पहुँच जाऊँगा, जोया अख्तर आई रियली लाइक, फरहान अख्तर, मतलब अनगिनत लोग हैं। अभी तो क्या है, पॉइंट ये है कि शकुन बत्रा आई रियली लाइक, पॉइंट ये है कि डू दीज पीपल वॉन्ट टू वर्क विद मी ऑर नॉट, सो आई होप दैट मित्रो हैज ओपन दैट डोर्स आप फॉर मी। ओके, जैसे स्टाइल को ले बहुत स्टाइलिश रहे हैं आप, स्टाइल को लेके बड़ा कुछ ना कुछ आपका सोशल मीडिया पर अपडेट होता रहता है, उसके बारे में वो कैसे हो, मतलब उसके बारे में फिकन थ्रो समझ यार, मैं ऑनेस्टली ना उतना मेहनत ही नहीं करता, मेरे को मेरा मूड के ऊपर है, कभी मेरा मूड होता है कि यार कुछ माइंड ब्लोइंग कुछ सज धज के जाओ और कुछ टेढ़ा कुछ पहनो, सो यू सीन मी एट लॉट ऑफ अपीयरेंसेस, कभी कभार मेरा मूड होता है कि यार जीन्स टी शर्ट फटे हुए चप्पल पहन के निकल जाओ, सो मैं अपने मूड के हिसाब से जाता हूँ। एक फेज़ था मेरे लाइफ में वेर आई वॉज ट्राइंग टू फिट इन कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, बट आई थिंक लास्ट 2-3 साल से, 1-1.5 साल से मुझे लगता है कि आई हैव कम टू माई ओन, और मुझे नहीं लगता कि आई ट्राई टू हार्ड, अगर लोगों को पसंद है तो वो नेचुरल है, नहीं पसंद है तो भी नेचुरल है, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, आई ट्राई टू, मेरे मूड के ऊपर है व्हाट आई वांट, मतलब आज मेरा मूड है मुझे कुछ नहीं करना तो मैं कुछ नहीं करता। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, द फैन ऑफ जैकी बरनानी, द पीपल हु लव्ड योर वर्क, व्हाट यू हैव टू से टू देम?
I just have to say that, guys, I've given my 100% and thank you so much for all the love we are getting. It really means a lot. जो भी सारा प्यार मिल रहा है एंड जिन्होंने नहीं देखी है फिल्म प्लीज़ जाके देखिए बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे अच्छी फिल्म का वैलिडेशन तभी होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखिए. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू गो एंड गिव इट सम मोर लव.